और आज का दिन बहुत ही खास है सभी के लिए, और हम मंडला वासी हैं, हमारे लिए तो बहुत खास है क्योंकि साथियों आज है आदिवासी दिवस। और आदिवासी और अलग से दुखद खबर है, आपको पता होगा मणिपुर में जो कि महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अपराध किया गया है, और उसी स्थिति को देखकर ये जुलूस जो कि एक यात्रा की तौर पर निकलेगा, जितने लोग हैं सभी लोग जो कि वहाँ के राज्य के जो कि जो शासन प्रशासन है उसके खिलाफ नारेबाजी करेंगे और उसके माध्यम से वहाँ के शासन को थोड़ी सी जागरूक करेंगे कि इस प्रकार के किसी प्रकार का अपराध हो रहा है तो आप उसमें वहाँ पर जितने भी हैं अपराधी लोगों को अच्छे से अच्छा यानी कड़ी शासन से उनको सजा दें। और इसी के सभी को मेरी तरफ से आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित सोनवानी और एक नए ब्लॉग पे आपका स्वागत है। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही अलग होने वाला है, और फाइनली हम अभी नर्मदा में हैं, और आज का दिन बहुत ही खास है सभी के लिए, और हम मंडला वासी हैं, हमारे लिए तो बहुत खास है क्योंकि साथियों आज है आदिवासी दिवस, और आदिवासी दिवस जो कि हमारे मंडला वासी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत सारे पब्लिक, सभी लोग जो कि झंडा लेकर मंडला जा रहे हैं, और मंडला में जो कि पूरे जितने भी हैं सभी आइट साइड के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सभी लोग आएंगे और आदिवासी को बहुत ही भव्य रूप से जो कि मनाएंगे। तो साथियों हम इस आपको यही दिखाना चाहते हैं कि जो कि हमारा मंडला आदिवासी क्षेत्र है और इसमें जो कि सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग बसे हुए हैं, और उन्हीं के साथ हम सब जितने भी हैं आदिवासी दिवस जो कि आज है 9 अगस्त, और इसको हम सभी लोग मिलकर बहुत ही भव्य रूप से जो कि मंडला में मनाएंगे। और दोस्तों एक और अलग से दुखद खबर है, आपको पता होगा मणिपुर में जो कि महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अपराध किया गया है, और उसी के चलते हुए जो कि इसके पहले हम जो कि बहुत ही भव्य रूप से जुलूस निकालते थे उसमें सभी लोग जितने भी हैं आइट साइड के क्षेत्र के आदिवासी लोग सभी लोग आते थे, सभी लोग जुलूस में पूरा योगदान देते थे, बट इस बार जुलूस बहुत ही अलग तरीके से निकाला जाएगा क्योंकि इसमें जो कि मणिपुर के राज्य में जो कि अभी दुखद बहुत ही ज़्यादा दुखद स्थिति है, और उसी स्थिति को देखकर ये जुलूस जो कि एक यात्रा की तौर पर निकलेगा, जितने लोग हैं सभी लोग जो कि वहाँ के राज्य के जो कि जो शासन प्रशासन है उसके खिलाफ नारेबाजी करेंगे और उसके माध्यम से वहाँ के शासन को थोड़ी सी जागरूक करेंगे कि इस प्रकार के किसी प्रकार का अपराध हो रहा है तो आप उसमें वहाँ पर जितने भी हैं अपराधी लोगों को अच्छे से अच्छा यानी कड़ी शासन से उनको सजा दें। और इसी के माध्यम से जो कि पूरा जुलूस मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। तो साथियों हम इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस प्रकार हमारे मंडला के आदिवासी समाज के लोग और यहाँ के लोग सभी लोग मिलकर जो कि इस यात्रा को तय करेंगे, और जो कि यात्रा महात्मा गांधी स्टेडियम से लेकर लालीपुर बिंजिया और फिर नेहरू स्मारक से लास्ट में जो कि अपना बैगे बैगन ये चौराहा है वहाँ पर अंत होगा। तो साथियों हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं मंडला में जो कि आदिवासी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और इस बार जो कि शोभा यात्रा जुलूस पर निकलेगा और मणिपुर के शासन प्रशासन के ऊपर आवाज़ उठाया जाएगा और नारेबाजी होगा। तो चलिए साथियों हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपको भी इस यात्रा में जोड़ते हैं, और सभी को मेरी तरफ से आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, सभी को सेवा जोहार और भारत माता की जय। जय हिंद। साथियों चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी स्टेडियम के सामने जितने भी हैं आदिवासी भाई बंद सभी लोग जो कि एकत्रित हुए हैं, और थोड़ी देर बाद जो कि 2 बजे से मंडला के लिए
रैली निकाला जाएगा और बहुत ही भव्य रूप से निकाला जाएगा। और भी आइट साइड के क्षेत्र के लोग आ रहे हैं और यहाँ जुड़ रहे हैं, और आप ब्लॉग पर जुड़े रहना, हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से पूरा व्यूज दिखाएंगे और रैली में भी सम्मिलित करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, फाइनली हम जो कि नेहरू स्मारक पहुंच चुके हैं और नेहरू स्मारक का घेराव कर लिया गया है और देश के शासन प्रशासन के खिलाफ बहुत ही आक्रोश तरीके से नारेबाजी लगाया जा रहा है और मणिपुर के शासन प्रशासन के खिलाफ भी बहुत ही आक्रोश तरीके से लगाया जा रहा है। और
आइट साइड बहुत सारे पब्लिक, सभी लोग जो कि जुड़े हुए हैं और जितने भी आदिवासी भाई बहन, सभी लोग जो कि इस रैली का फुल योगदान दे रहे हैं और उसके खिलाफ जो कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अपराध किया गया है उसके खिलाफ नारेबाजी लगाया जा रहा है। और और फाइनल गाइस जो कि रैली समाप्त हो गया है और आपने देखा इस ब्लॉग के माध्यम से किस प्रकार मंडला वासी और मंडला के आइट साइड के जितने क्षेत्र के हैं सभी लोग आदिवासी आकर और इस रैली में पूरा सहयोग दिए और मणिपुर के शासन प्रशासन के खिलाफ इस रैली के माध्यम से जो कि आवाज़ उठाए। और साथियों आपको कैसा लगा ब्लॉग? चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे साथियों, भारत माता की जय। जय हिंद।